बड़ी खबर आ रही है जनपद बहराइच से, जहां पर शरिया फैक्ट्री के क्रेन टूटने से एक मजदूर की हुई मौत। क्रेन के नीचे दबकर चार मजदूर हुए घायल। तीन लखनऊ किए गए रिफर, एक का बहराइच में चल रहा इलाज। एसपी ने शरिया फैक्ट्री का दौरा कर लिया हालात का जायजा, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। बहराइच जनपद के रिसिया थाना के आसाम रोड स्थित शरिया फैक्ट्री में मंगलवार को तड़के क्रेन टूट गया, उसके नीचे दबकर बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि चार मजदूर घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को इलाज के लिए लखनऊ रिफर किया गया है, जबकि एक का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एसपी सुजाता सिंह ने सुबह मौके का दौरा किया। उन्होंने एक की मौत व चार मजदूरों के घायल होने की पुष्टि की है। आपको बताते चले, आसाम रोड हाईवे पर रिसिया थाना के ग्राम गोदानी बसाही के पास सुरेंद्र इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शरिया मिल स्थित है। इस मिल से प्रतिदिन कई टन शरिया निकलती है। यहाँ दो शिफ्ट में कार्य होता है। प्रतिदिन की भली भांति सोमवार की रात पाली में काम हो रहा था। मंगलवार को तड़के करीब 3:30 बजे किरण अचानक टूट गया, उसके नीचे वहां काम करने वाले पांच मजदूर दबकर घायल हो गए, जिनमें से बिहार प्रांत के चंपारण जिले के ढोल बजवा निवासी संजय पुत्र केशवर उराव की मौत हो गई, जबकि इसी जिले के शीतलबारी निवासी अनिल कुमार पुत्र राजेंद्र, गाजीपुर जिले के चौराबाद निवासी राहुल पुत्र श्याम सुंदर, सिवान के मिठिया निवासी दुर्गेश पुत्र राजेंद्र की हालात गंभीर होने पर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया। अमेठी जिले के तिलौई निवासी मोहम्मद हसरैन पुत्र जमील का बहराइच में इलाज चल रहा है। इस हादसे की सूचना मिलते ही एसएचओ हेमंत कुमार गौड़ व सीओ प्रयागपुर कृष्णा प्रताप सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। मजदूरों ने बताया कि करीब 1.5 महीने पूर्व जनपद बलिया निवासी कृष्णा नामक व्यक्ति की भी करंट लगने से मौत हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे, तब मामला दब गया था। वहीं मंगलवार को सुबह एसपी सुजाता सिंह ने घटना स्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया, संबंधित को उचित दिशा निर्देश दिया। एसपी ने बताया कि पूर्व में हुई घटनाओं की बारीकी से जांच होगी। उन्होंने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहरीर न मिलने की दिशा में पुलिस स्वयं मुकदमा दर्ज करेगी। ये अभी जानकारी करने में पता चल रहा है कि सवेरे बिल्कुल कुछ मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसमें ये क्रेन टूटा है और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है और चार लोग घायल हैं। हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं कि घटना कैसे हुई और मृतक और घायलों की पहचान भी कर रहे हैं और उसमें सबसे सख्त कार्रवाई।